गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में अपन जेट प्री पीजी व पीएचडी की काउंसलिंग रिपोर्टिंग के बारे में बात करेंगे। जिन अभ्यर्थियों को महाविद्यालय मिल गया है और उनको सीट छोड़नी है, उन अभ्यर्थियों के बारे में भी बात करेंगे कि कैसे क्या उनकी प्रोसेस रहेगी। तो इसमें दे रखा है कि जेट प्री पीजी व पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2024 से संबंधित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि जिन अभ्यर्थियों ने मुख्य ऑनलाइन काउंसलिंग की रिपोर्टिंग के माध्यम से राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालय के अधीनस्थ महाविद्यालय व निजी कृषि महाविद्यालय एवं संस्थान विश्वविद्यालय में जेट प्री पीजी व पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2024 के माध्यम से प्रवेश लिया है, यदि वे अपनी सीट छोड़कर अंतिम ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं तो उनके लिए सीट छोड़ने की अंतिम तिथि 29 सितंबर 2024 दोपहर 2 बजे तक वो अपनी सीट छोड़ सकते हैं। बात करें आवंटित सीट छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो आवंटित सीट को छोड़ने हेतु अभ्यर्थियों को जहाँ पे उनको कॉलेज मिली है, यूनिवर्सिटी मिली है, वहाँ के प्रिंसिपल को प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, उनको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी सीट छोड़ने के लिए। तो आवंटित सीट छोड़ने हेतु अभ्यर्थियों को संबंधित महाविद्यालय की प्रिंसिपल व नोडल अधिकारी को प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र पर इसके लिए अनुरोध प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद अभ्यर्थियों के आवेदन के आधार पर संबंधित महाविद्यालयों के प्रिंसिपल व नोडल अधिकारी द्वारा इसकी सूचना अपने कार्यालय पत्र दिनांक 19 सितंबर 2024 शाम 4 बजे से पहले जेट कार्यालय को आवश्यक रूप से भेजनी होगी। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया कि जो अभ्यर्थी 19 सितंबर 2024 तक अपनी सीट छोड़ देते हैं, मतलब 19 सितंबर को सीट छोड़ना है 2 बजे से पहले पहले, फिर आपको वापस से फॉर्म भरना है 5,000 दे के। पुनः विकल्प फॉर्म का शुल्क 5,000 जमा करवा के अंतिम ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा छोड़ी गई सीटों को अंतिम ऑनलाइन काउंसलिंग की सीट मैट्रिक्स में जोड़कर दर्शाई जाएगी। यहाँ पे नेक्स्ट है कि निर्धारित समय सीमा के पश्चात छोड़ी गई सीटों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, अर्थात न तो उन सीटों को अंतिम ऑनलाइन काउंसलिंग की सीट मैट्रिक्स में जोड़ा जाएगा और न ही ऐसे अभ्यर्थियों को अंतिम ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु पात्र माना जाएगा। देखो आपके लिए यहाँ पे नोट में इम्पोर्टेंट यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है कि अभ्यर्थी अपनी सीट को छोड़ने से पहले यह भली भांति समझ ले कि सीट छोड़ने के पश्चात वर्तमान सीट पर उनकी दावेदारी समाप्त हो जाएगी। अंतिम ऑनलाइन काउंसलिंग में अभ्यर्थियों को सीट का आवंट होना या नहीं होना, उसकी वरीयता या एवं उसके द्वारा ऑप्शन में भरे गए महाविद्यालय के विकल्प पर निर्भर रहेगा। इसके बारे में अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट होकर देख सकते हो। ऐसी ही एग्रीकल्चर की न्यू अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिएगा।